फाइनली मैंने एक रॉकेट ब्लोअर ऑर्डर कर ही लिया, बहुत मजा आ रहा है। What is up everyone, it's me Kunal and welcome back to another video. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजन के बारे में। जिस तरीके से हमारे चश्मे का विजन और लाइफ का विजन एकदम क्लियर होना चाहिए, उसी तरह हमारे कैमरा के लेंस का भी विजन और कैमरा के सेंसर का भी विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। और रिसेंटली मैं काफ़ी सारे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल देखा है हर वीडियोस में, एंड आई गेस आपने भी नोटिस करा होगा। एंड मैं कल एक वीडियो शूट कर रहा था, उसमें भी मैं पूरा वीडियो शूट कर लिया, उसमें वो डस्ट पार्टिकल वहीं पे था। और आई डोंट थिंक मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग और डस्ट पार्टिकल। बट हम आज एक्चुअल में बात करने वाले हैं आपके सेंसर को आप कैसे क्लीन कर सकते हो अंडर अ मिनट, एंड नॉट इवन अ सेंसर, बिकॉज सेंसर इज़ इम्पॉर्टेंट बट लेंस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कैमरा। सो हम बात करेंगे सेंसर क्लीनिंग और लेंस क्लीनिंग की, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं इस वीडियो में। ये जिन लोगों को नहीं पता, ये इस बहुत ही फनी दिखता है इसलिए मैंने ऑर्डर करा है। सो ये बेसिकली करता क्या है कि जो भी आपके सेंसर पे डस्ट पार्टिकल, जो भी कचरा होता है, उसको ये हवा से निकाल देता है और आपका सेंसर एकदम प्यारा सा साफ सुथरा सा बन जाता है। सो ऑब्वियसली बात है इसके हज़ारों ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, बहुत सारे सिमिलर चीज़ें हैं, बहुत सारी अलग अलग दिखने वाली चीज़ें हैं। मैंने पर्सनली ये ऑर्डर नहीं करा था, मैंने कोई और चीज़ ऑर्डर करी थी, मतलब जो मैंने ये वाला टाइप का ऑर्डर करा था, बट मेरे को पता नहीं ये क्यों मिला है। बट ये भी काफ़ी कूल है और ये काफ़ी प्यारा है, सो मैं रिटर्न नहीं करूँगा, ये काफ़ी अच्छा है। और इसी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो चेकआउट कर लेना अगर आपको चाहिए। 250 रुपीज़ की चीज़ है यार, वर्थ इट है, काफ़ी हेल्प करेगी आपको बाद में भी। ये एक छोटी सी चीज़ है बट जब ज़रूरत पड़ती है इसकी और नहीं होता है तो बहुत वैल्यू तब रियलाइज़ होती है। और मेरे को तभी हुई थी क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल है और मैं कुछ कर नहीं सकता उसको। अगर आपको लग रहा है कि ये इसको क्या है, मैं तो सिर्फ फूंक मार सकता हूँ उस पर, अगर आप फूंक मारते हो उस पर, गुड लक विद दैट। आपके सलाइवा के जो पार्टिकल्स होंगे वो आके आपके सेंसर पे चिपकेंगे और आपको उससे भी बड़े स्पॉट्स दिखेंगे अपने इमेजेस में। तो अगर आपको वो चाहिए, ऑल द बेस्ट। सो पहले बात करते हैं कि आप अपने लेंस को कैसे क्लीन कर सकते हो। इसके भी 2-3 तरीके हैं, सो मैं सजेस्ट करूंगा जो मैं अभी बता रहा हूँ आप उससे करिए, वो सेफ होगा। तो सबसे पहले लेंस लो अपना, देन उसको उल्टा करो और उसके बाद 5 से 6 पंप काफ़ी होते हैं। बेसिकली उल्टा करने से क्या होगा कि सारे डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाएंगे और कैमरा के अंदर नहीं घुसते। और सेम चीज़ हमको दूसरी तरफ भी करनी है, लेंस को उल्टा करके उसका जो कैप होता है नीचे से वो उठा के, और उसके बाद 5 से 6 पंप काफ़ी होते हैं। सो आप कोई माइक्रोफाइबर क्लॉथ को यूज़ करके अब अपना लेंस को साफ कर सकते हो। आप एक स्क्रीन क्लीनर सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हो और उसके बाद माइक्रोफाइबर से साफ़ कर सकते हो उसको। सो अब हमने साफ़ कर लिए सारे लेंसेज, लेंसेज लग रहे हैं बहुत ज़्यादा प्यारा, चमक रहे हैं लेंसेज, अब होंगी हमारी बढ़िया सी फ़ोटो। बट सेंसर साफ़ करते हैं हम। सेंसर साफ़ करना इज़ ऑल्सो नॉट सो टेक्निकल, ईजी है। सो आपने अपना कैमरा लिया, लेंस हटाया एंड इसको ऐसे रख के, 5-6 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती पंप्स की, एंड वापस से लेंस को लगा दिया, उनका सेंसर क्लीन हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आप घर पे कर सकते हो। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि आप एक यूवी फ़िल्टर लगा लो अपने कैमरा के आगे, ये भी क्लीन नहीं है। बट यूवी फ़िल्टर बेसिकली आपके सामने वाले लेंस पे स्क्रू कर सकते हो आप उसको, बस ये यूवी फ़िल्टर है, कोई डिफरेंस भी आई डोंट थिंक सो फील हो रहा होगा आपको। सो यूवी फ़िल्टर बेसिकली एक एडिशनल लेयर है कांच की जो आप लगा सकते हो कि आप अपने एक्चुअल जो कैमरा का लेंस है उसको कुछ होने से आप रोक सकते हो। सो मैं यूवी फ़िल्टर का, ब्लोअर का, माइक्रोफाइबर क्लॉथ का और लिक्विड सॉल्यूशन का, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ जाके ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट करो, मैंने बहुत लेट करा। अगर आप बिगनर हो तो अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी बाद में। एंड अगर कुछ लगता है आपको कि काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो रहा है, सर्विसिंग को भेज दो, वो लोग आपका कैमरा नया करके दे देंगे। ऑल्सो जब भी आप अपना कैमरा का लेंस बदल रहे हो तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू पुश द बटन फर्स्ट, ट्विस्ट इट एंड इसको जो अपने कैमरा है उसको नीचे ही पॉइंट करके रखो, दूसरा जो लेंस है वो रेडी रखो, वाइट डॉट से वाइट डॉट मिलाओ एंड इट्स रेडी, क्लिक का साउंड आना चाहिए ना किधर। एंड दैट्स हाउ यू बेसिकली चेंज योर लेंसेज एंड ऑल दैट। इस पे उसका कवर लगा दो, लेंस कैप लगा दो एंड बैग में रख दो। आई होप अब आप अपने लेंसेज का और आपके कैमरा इक्विपमेंट का ध्यान रखो। ऐसे ही मैं और यार वीडियोज़ बनाता रहूँगा आपके लिए,
सो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो अपना लेंस और सेंसर हमेशा गंदा रखते हैं, और उनको बोलो कि वो साफ़ करें। वेल, आई होप आपने आज कुछ सीखा अपने कैमरा का, आप कैसे ध्यान रख सकते हो। एंड अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो शूट करने के लिए, बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो एवरी सिंगल वीक। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। बेल अभी बजनी चाहिए।